picture here, give it. Fingers gone up. Oh, yeah. दुबई टेस्ट में श्रीलंका का पलड़ा भारी, पाकिस्तान की बैटिंग लैग मुश्किलात का शिकार, चार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की बर्तरी खत्म करने के लिए लंबा सफर बाकी। बल्लेबाज भी बॉलर्स के रंग में रंग गए। श्रीलंकन बॉलर्स के सामने बैट्समैन विकेट बचाने की कोशिशों में मसरूफ। तीसरे दिन के पहले सेशन में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आनिया जानिया लगी रही। सही आउट होकर पवेलियन जा बैठे हैं। ओपनर शान मसूद 16 रन बना पाए, जबकि समी असलम ने 39 रन जोड़े और असद शफी 112 और बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। फॉलो ऑन से बचने के लिए 283 रन बनाने हैं। अजहर अली और हारिस सुहेल इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 282 रन बनाए हैं, 4 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बनाए हैं, यानी 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले, 131 रन, 4 खिलाड़ी आउट, जवाब दिया है पाकिस्तान ने। यूं कहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात में गिरी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच की अपडेट से हम आपको आगाह करें, जहां कौमी टीम मुश्किलात का वाजे तौर पर शिकार नजर आ रही है। वजीर खान की बात करेंगे अपने नुमाइंदे और क्रिकेट एक्सपर्ट उमर फारूक से। जी उमर फारूक बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आज तीसरे दिन का खेल खेल रहा है और आठवां सेशन चल रहा है और पाकिस्तान अभी गेम में नहीं चेंज हुआ। आधे से ज्यादा गेम पाकिस्तान ने खेली है, लेकिन पाकिस्तान के पास चांस नहीं मिल रहा कि पाकिस्तान गेम में कैसे वापस आए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया, आमिर फिटनेस का शिकार नजर आए, वहाब व्यास को भी स्ट्रगल करते देखा गया। तो पाकिस्तान आई थिंक मैच खेलने से पहले ही फर्स्ट डे पे ही पाकिस्तान कोलैप्स नजर आ रहा था, उनकी बॉलिंग उसकी बॉडी लैगिंग नजर आ रही थी। इनके कोच भी कल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए, जिसमें पाकिस्तान आधा मैच आई थिंक ड्रेसिंग रूम में ही हारा हुआ है।